Hello and welcome to Endeavor Prep, your learning solution for UPSC and State PCS examination. दोस्तों, जैसा कि कल हम न्यू ईयर मना रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ जो है आप देखो कि जापान जो है, जापान में रेगुलर अर्थक्वेक्स आ रहे थे. कहते हैं कि देयर आर 21 अर्थक्वेक्स जो आपको कल जापान में मेजर किए गए, एंड वर्ल्ड की सारी मेजर न्यूज चैनल्स ने इसको हेडलाइन बनाया है आपको अगर आप देखें, ठीक है. और अभी तक 30 डेथ्स के होने की खबर आ चुकी है. तो हम समझने का प्रयास करेंगे अपने एग्जाम पर्सपेक्टिव से कि ये जो अर्थक्वेक्स है जापान में आते क्यों हैं और कैसे अर्थक्वेक्स, वो रीजन क्यों अर्थक्वेक्स को लेकर के वल्नरेबल बना रहता है, ठीक है. तो हम उसको समझने का प्रयास करते हैं, बट उसको समझने के पहले हमें थोड़ा सा जापान को समझना पड़ेगा. अब जापान जो है, मेजरली आप इसको चार मेजर आइलैंड्स में इसको डिवाइड किया जाता है. ये जो पहला ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है इसको होकाइडो कहते हैं, होकाइडो. ये जो दूसरा ये बड़ा वाला आइलैंड आपको दिख रहा है, ठीक है, इसको कहते हैं होन्सु. जो यहां पे छोटू सा आपको आइलैंड दिख रहा होगा, दिस इज नोन एज सीकोकू आइलैंड्स. और यहां पे जो छोटा सा और नीचे में आपको दिख रहा है, दैट इज नोन एज क्यूशू आइलैंड्स, ठीक है. तो ये चार आइलैंड्स आप याद रखें मेजरली, होकाइडो, होन्सु, सीकोकू एंड क्यूशू आइलैंड्स. इसके अलावा अगर लोकेशन देखना चाहें आपको, तो यहाँ पे दिस इज द कोरियन पेनिनसुला. ये जो है आपको कोरियन पेनिनसुला है, यहाँ पे चाइना, रशिया. यहाँ पे इसके वेस्टर्न साइड में येलो सी दिखेगा आपको, इसके नीचे में वेस्टर्न पोर्शन में ईस्ट चाइना सी, उसके सदर्न पोर्शन में आपको फिलीपींस सी, इसके ईस्टर्न पोर्शन में पैसिफिक ओशियन, ठीक है. और इसके वेस्टर्न पार्ट में द सी ऑफ जापान, या इसी को ईस्ट सी भी कहते हैं. ऊपर में अगर देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे सैखलिन आइलैंड्स हैं, सैखलिन आइलैंड्स जो कि आपको रशिया के आइलैंड्स हैं, ये हैं आपको. और इसके अलावा अगर कुछ फेमस एरियाज की बात करें, तो यहाँ पे दिस एरिया, दिस इज नोन एज कोरिया स्ट्रेट, इसको कहते हैं कोरिया स्ट्रेट. इसके अलावा यहाँ पे छोटे से आइलैंड्स हैं, और यहीं पे पास में आपको जो है इसको कहते हैं सुसीमा स्ट्रेट, ठीक है. ये एरियाज आप ध्यान रखें. और अगर जो है आप इस यहाँ पे एक स्टेट बनता हुआ दिख रहा है आपको, तो इसको कहते हैं सुगारू स्टेट, ठीक है. दिस इज नोन एज सुगारू स्टेट, ठीक है. तो ये मेजर एरियाज आप याद रखें, बिकॉज दे बिकम इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव, क्योंकि इस एरियाज में अभी थोड़ी दुर्घटनाएं हुई तो आपको इंपॉर्टेंट बन जाएगा. इसके अलावा अगर कैपिटल की बात करें, तो दिस इज द टोक्यो. यहाँ पे आपको ईस्टर्न साइड में यहाँ पे टोक्यो आपको दिखेगा ऑन द होन्सु आइलैंड, ठीक है. अब जो है हमें समझने के पहले कि अर्थक्वेक क्यों यहाँ पे आया, हमें थोड़ा सा प्लेट्स को समझना पड़ेगा कि जापान की लोकेशन किस तरीके से. तो जापान को देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारी प्लेट्स जो हैं एक साथ मिल रही हैं, एंड जापान इज लोकेटेड ऑन द प्लेट बाउंड्रीज, और उसी के वजह से प्लेट इंटरेक्शन होते हैं, और जिसके वजह से ये रीजन जो है वल्नरेबल बना होता है अर्थक्वेक के लिए. अगर आप देखो तो यहाँ पे ईस्ट में आपको पैसिफिक प्लेट मिलेगा, इसके साउथ में आपको फिलीपींस प्लेट है, इसके वेस्ट में यूरेशियन प्लेट है, और इसके ऊपर वाले हिस्से में नॉर्दर्न पोर्शन में ओखोत्स्क प्लेट है, या इसी को ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट का भी हिस्सा माना जाता है. तो ये जो है आपको प्लेट्स है, साथ ही साथ बहुत सारे रप्चर जोन है. रप्चर जोन क्या है, जब प्लेट्स जो है वो बीच से वहाँ पर या तो इंटरैक्ट कर रहे होते हैं, तो उनको तो बाउंड्रीज बोलते हैं. उसके अलावा बहुत सारे प्लेट्स जो हैं, उन प्लेट्स के अंदर में भी आपको थोड़े बहुत छोटे छोटे स्वेल्स बने होते हैं, या प्लेट्स जो है वो रैप्चर कर रहे होते, टूट रहे होते हैं, उसके वजह से भी आपको वो भी जब आपकी एक्टिविटी होती है तो अर्थक्वेक के कारण बनते हैं. यहाँ पे जो अर्थक्वेक आया है, यहाँ पे अर्थक्वेक आया है इस रीजन में, ठीक है. दिस इज नोन एज इशिकावा. तो इशिकावा रीजन में जो है आपको अर्थक्वेक आया है, एंड यहाँ पे बहुत सारे जो आप देखेंगे तो प्रीफ्रैक्चर्स जोन है, बहुत सारे जोन्स हैं जो कि जहाँ पे प्लेट्स जो है वो टूटने के कगार पे है, या टूटना स्टार्ट हो चुका है वहाँ पे. इस वजह से ये रीजन जो है वल्नरेबल बना होता है आपको अर्थक्वेक के लिए. अब प्लेट्स की जब बात आई, तो हमें थोड़ा सा प्लेट्स को समझना पड़ेगा कि ये प्लेट्स हैं क्या. प्लेट्स जो हैं, दीज आर नथिंग बट दीज आर लिथोस्फेरिक स्लैब्स. अब बात आती है कि लिथोस्फेरिक स्लैब्स क्या है. अगर आप अर्थ के इंटीरियर को देखोगे तो तीन पार्ट में बांटा जाता है जनरली. द फर्स्ट इज द क्रस्ट, दूसरा जो है वो मेंटल कहते हैं, और तीसरा जो हिस्सा है नीचे का उसको कोर कहते हैं. फिर इनके फर्दर डिविजन इनर कोर, आउटर कोर, अपर मेंटल, इनर मेंटल, तो ऐसे करके. अगर आप बात करो कि लिथोस्फेरिक स्लैब्स या प्लेट्स क्या है ये, तो दीज आर नथिंग बट द अपर पार्ट ऑफ क्रस्ट, सॉरी द क्रस्ट प्लस द अपर पार्ट ऑफ मेंटल. तो ये जो एरिया है आपका,
जो कि आपका क्रस्ट पूरा का पूरा और साथ में थोड़ा सा एरिया मेंटल का जो अपर पोर्शन है उसको हम लोग दोनों को मिला करके क्या कहते हैं, लिथोस्फेरिक स्लैब्स कहते हैं। ये जो क्रस्ट है ये सॉलिड फॉर्म में है, आपको जो मेंटल है जो अपर मेंटल का पोर्शन है वो भी सॉलिड फॉर्म में है, बट जो लोअर मेंटल है, जो लोअर मेंटल का पोर्शन है इमीडिएटली बिलो द सॉलिड पार्ट, उस वो जो है आपको सेमी मोल्टेन फॉर्म में है। ठीक है, सेमी मोल्टेन फॉर्म में है। अब जो आपका लिथोस्फेयर है वो क्या है, वो सॉलिड है और उसके नीचे वो जिस लेयर पे है वो आपको क्या है, वो आपको लिक्विड या सेमी मोल्टेन फॉर्म में है। तो ये क्या होता है कि ऐसे इस तरीके से अगर ये एस्थेनोस्फेयर है तो इसमें थोड़ा सा डूब के ये जो है लिथोस्फेयर ये मूव करते रहते हैं, ये जो है इस तरीके से रुके होते हैं और दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, ये जो है अर्थ में मूव कर रहे हैं बिकॉज ऑफ कन्वेक्टिव करेंट्स, कन्वेक्टिव करेंट्स जो आर्थर होम्स ने दी है तो उसके वजह से जो है ये क्या होते हैं, इनका मूवमेंट होते रहता है बिकॉज ऑफ द फोर्सेस फ्रॉम इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अभी के लिए आप इस तरीके से याद कर ले कि अर्थ के इंटीरियर से कुछ फोर्सेस लगती हैं जो इन प्लेट्स को क्या कराते रहती हैं, मूव कराते रहती हैं। ठीक है, अब ये जो आपका क्रस्ट है ये ध्यान रखें, क्रस्ट भी दो टाइप के हो जाते हैं आपको, एक तो जो है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होते हैं और दूसरे जो है ओशियनिक क्रस्ट होते हैं। इनकी डेप्थ वैरी करती है, कॉन्टिनेंटल जो है दे कैन गो अप टू 35 to 100 किलोमीटर, ओशियनिक क्रस्ट जो है 5 किलोमीटर से लेकर के 30-35 किलोमीटर के रेंज में इनकी इनकी विड्थ होती है। बट द क्रस्ट एडेड विद द अपर पोर्शन ऑफ द मेंटल दैट इज नोन एज लिथोस्फेयर और उसके नीचे का जो एरिया है इसको कहते हैं एस्थेनोस्फेयर। तो लिथोस्फेयर जो है वो क्या कर रहा है, वो एस्थेनोस्फेयर के ऊपर मूव कर रहा है, उस पर जो है वो स्लाइड करते रहता है। और इस तरीके से ये जो प्लेट्स हैं, दिस प्लेट्स आर डिवाइडेड इनटू वेरियस सेक्शन, बहुत छोटे बड़े बड़े इरेगुलर स्लैब्स में जो है ये डिवाइडेड हैं। अब ये स्लैब्स अगर आप देखोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये यूरेशियन प्लेट है इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट दिख रहा है आपको, यहाँ पे नाजका प्लेट छोटा सा एक प्लेट है, साउथ अमेरिकन प्लेट इज देयर एंड सो ऑन। ठीक है, नाउ सी हमारा जो रीजन है इंटरेस्ट का जहाँ पे अभी अर्थक्वेक आया है, तो यहाँ पे देखो तो यहाँ पे एक प्लेट आपको नॉर्दर्न अमेरिकन प्लेट है जो हमने बात करी, उसका एक एक हिस्सा ओखोत्स्क प्लेट था, ओखोत्स्क प्लेट की हमने बात करी, तो ओखोत्स्क प्लेट जो है वो मानते हैं कि नॉर्थ अमेरिकन प्लेट का एक हिस्सा है। दूसरा जो हिस्सा है वो आपको यूरेशियन प्लेट है, तीसरा यहाँ पे फिलीपींस प्लेट की बात करी हमने और चौथा जो है यहाँ पे ये पैसिफिक प्लेट है। अब देखो कि जापान जो लोकेटेड है वो इस रीजन में लोकेटेड है, राइट, तो वहाँ पे यूरेशियन प्लेट भी है आपको रोल में, वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं नॉर्थ अमेरिकन या ओखोत्स्क प्लेट भी सीन में है, आपको फिलीपींस प्लेट भी सीन में है और पैसिफिक प्लेट भी सीन में है और इस तरीके से इनका मूवमेंट हो रहा है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो फिलीपींस प्लेट जो है ये वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है, दिस फिलीपींस प्लेट दिस इज मूविंग इन द वेस्टर्न पार्ट, साथ ही साथ ये जो पैसिफिक प्लेट है ये भी वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है और ये जो यूरेशियन प्लेट है इसका मूवमेंट का डायरेक्शन ये है। तो अब जब ये मूव करेंगे एक दूसरे से इंटरैक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, आपको बहुत सारे वाइब्रेशंस होते हैं और यही जो वाइब्रेशंस हैं यही क्या है, यही तो अर्थक्वेक है, यही तो अर्थक्वेक वेव्स है। अब जब प्लेट टकराएंगे आपस में टकराएंगे तो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होगी और वो एनर्जी रिलीज होती है तो वो वेव्स के फॉर्म में रिलीज होती है और वही जो वेव्स के फॉर्म में रिलीज होती है तो अर्थ के क्या करती है, वाइब्रेट करती है और वही जो है आपको अर्थक्वेक के रूप में हमें फील होता है। तो ये मेजर प्लेट बाउंड्रीज ध्यान रखें और यहाँ पे हमारा फोकस रखना है कि जापान में ये जो इंटरेक्शन हो रहा है यहाँ पे कौन कौन से प्लेट जो है वो आपको प्ले में है, किनका किनका जो है यहाँ पे रोल आपको देखने मिलता है। अब अगर आप देखें तो प्लेट इंटरैक्शंस को हमें समझना पड़ेगा, तो प्लेट इंटरैक्शंस जो हैं नॉर्मली जो प्लेट होते हैं वहाँ पे तीन टाइप के इंटरैक्शंस होते हैं। तो ध्यान रखें इंटरैक्शंस जो होंगे ये हमेशा आपको प्लेट बाउंड्रीज पे होते हैं जनरली, ठीक है। अब कुछ रैप्चर हो रहा है तो अलग बात है बट नॉर्मली इंटरैक्शंस की जब बात करते हैं तो प्लेट बाउंड्रीज पे, दो प्लेट जब मिलेंगे तो वहाँ उनकी बाउंड्री पे आपको इंटरैक्शंस होंगे। पहला जो है दैट इज कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट का मतलब है कि एक प्लेट ये दूसरा प्लेट ये एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो आप देखोगे कि ये एक तरीके से एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। तो क्या होता है कि जब एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो दे विल कोलाइड विद ईच अदर एंड उसके बाद जो ये वाला एरिया है इसको इसको वो पुश करेंगे दोनों साइड से और यहाँ पे क्रिएट द माउंटेन्स, तो माउंटेन्स का एक तरीके से फॉर्मेशन आपको करते हैं। इसके बाद जो दूसरा है दैट इज द डाइवर्जेंट बाउंड्री,
या इसी को जो है कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री भी कहते हैं। अच्छा याद रखना, यहाँ पे कन्वर्जेंट को डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे प्लेट का लॉस होता है। आप देखो कि ये जो प्लेट है ये नीचे जा रहा है, ये धीरे से ये क्या होगा, ये टूट जाएगा, और टूटने के बाद ये जो आपको मेंटल में चला जाएगा जो कि मेल्ट हो जाएगा फिर, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेट का लॉस होता है इसलिए इसको डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री भी कहते हैं। दूसरा जो है वहाँ पे अगर आप देखो तो डाइवर्जेंट बाउंड्रीज हैं, दोनों बाउंड्रीज दो डायरेक्शन में जा रही हैं, और दोनों बाउंड्री जब दो डायरेक्शन में, दोनों प्लेट्स जब दो डायरेक्शन में जा रही हैं तो इनके बीच की जो बाउंड्री है वहाँ नीचे से क्या होता है, मैग्मा बाहर आता है, और ये मैग्मा जो है ये प्लेट्स के जो आपके कोने हैं उनमें चिपक जाता है और नए प्लेट्स का फॉर्मेशन होता चला जाता है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि अगर प्लेट इस तरीके से मूव कर रही है तो इनके इनके एजेस पे आपको मैग्मा चिपकते जाता है और इस तरीके से ये प्लेट आपको मूव करते रहते हैं और आपका जो है नए प्लेट्स जो है क्रिएट होते रहते हैं, इसी के लिए इसको कंस्ट्रक्टिव प्लेट भी कहते हैं। तीसरा जो टाइप है दैट इज द ट्रांसफॉर्म और कंजर्वेटिव। यहाँ पे जो प्लेट्स हैं एक दूसरे से रिलेटिव मोशन करते हैं, एक दूसरे से रिलेटिव मोशन करते हैं। यहाँ पे ना तो एक दूसरे के पास आ रहे हैं ना तो दूर जा रहे हैं, बट एक दूसरे से रिलेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो एक प्लेट इस डायरेक्शन में जा रहा है या एक डायरेक्शन इस तरीके से जा रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हों बट दोनों का स्पीड जाने का अलग अलग हो, तो भी आपको उसको भी हम क्या कहते हैं, उसको भी कहते हैं ट्रांसफॉर्म या कंजर्वेटिव बाउंड्री। अब यहाँ पे एक चीज समझनी है कि यहाँ पे भी अर्थक्वेक्स आते हैं। अर्थक्वेक इसलिए आते हैं क्योंकि ये जो एजेज होते हैं ये स्मूथ नहीं होते हैं, यहाँ पे ये खुरदरा सरफेस होता है। तो आप सोचो कि जब दो खुरदरे सरफेस को आप मूव कराओगे एक दूसरे के रिलेटिव तो ऑब्वियसली वाइब्रेशंस होने हैं। तो इस केस में भी यहाँ पे भी आपको वाइब्रेशंस होते हैं, यहाँ पे भी अर्थक्वेक आते हैं, यहाँ पे भी आपको अर्थक्वेक आएंगे। जब दूर जा रहे हैं तो मैग्मा जब बाहर आती है तो वो भी प्लेट्स को मूव कराने के लिए दबाव डालती है, तो यहाँ पे भी आपको अर्थक्वेक्स आएंगे और सबसे मेजर वाले अर्थक्वेक्स आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे आएंगे। अब साथ ही बाउंड्रीज अगर प्लेट्स को देखो तो प्लेट्स जो है आपको ओशियनिक प्लेट्स होते हैं, प्लेट्स आपको जो है वो आपको कॉन्टिनेंटल प्लेट्स होते हैं, ठीक है। तो जनरली आपको जो इंटरैक्शन मिलेगा वो ओशियनिक ओशियनिक मिलेगा, आपको ओशियनिक कॉन्टिनेंटल मिलेगा या फिर कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल मिलेगा, और डिपेंडिंग अपॉन बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको फीचर्स आपको देखने के मिलते हैं। तो माउंटेन से लेके आइलैंड्स का फॉर्मेशन ले बनना, वोल्केनोज का बनना, आपको अर्थक्वेक्स का आना, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं प्लेट से रिलेटिव है। अब मैंने आपको यहाँ पे ये क्यों समझाया, ये इसलिए समझाया कि यहाँ पे हम समझने का प्रयास करेंगे कि जापान अर्थक्वेक में कौन कौन सी बाउंड्रीज का है वहाँ पे रोल आपको देखने मिलेगा। अब उसको पहले एक चीज और अर्थक्वेक से हम डिस्कस कर लें कि अर्थ में जो है आपको पूरे अर्थ पे देर आर मेजर अर्थक्वेक बेल्ट, कुछ ऐसे रीजन हैं जहाँ पे कि अर्थक्वेक जो है आपको रेगुलर आते रहता है, वो एरिया जो है काफ़ी वल्नरेबल हैं। और अगर आप देखो तो उसको में द फर्स्ट इज द सर्कम पैसिफिक बेल्ट। ये जो सर्कम पैसिफिक बेल्ट है ये एशिया के यहाँ से होते हुए एंड दिस गोज अप टू नॉर्थ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका से ऐसे ट्रांसफॉर्म करते हुए सदर्न अमेरिका एंड इट गोज। अब आप देखो कि इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो रीजन है ये काफ़ी वल्नरेबल है अर्थक्वेक को। क्यों? क्योंकि आप देखो यहाँ पे पैसिफिक प्लेट है, यहाँ पे नाजका प्लेट है, यहाँ पे सदर्न अमेरिका प्लेट है, यहाँ पे नॉर्दर्न अमेरिका प्लेट है, यहाँ पे यूरेशियन प्लेट है। अब इन प्लेट्स के रिलेटिव मोशन की वजह से आप देखोगे कि इनमें रेगुलर इस रीजन में आपको अर्थक्वेक मिलेगा। यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी है, तो यहाँ पे आप देखो इस रीजन में बहुत सारे क्योंकि प्लेट्स हैं और इनके बीच में इंटरेक्शन होती रहती है और इनके इंटरेक्शन की वजह से जो है आपको ये रीजन जो है काफ़ी वल्नरेबल है फॉर बोथ, आपको अर्थक्वेक भी आते रहते हैं और आपको जो है इस रीजन में वोल्केनोज भी बहुत सारे एक्टिव हैं। तो इसी को आपको रिंग ऑफ फायर जोन भी कहते हैं, रिंग ऑफ फायर जोन भी है ये, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। अब जापान को अगर देखो तो जापान यहीं पे तो लोकेटेड है और ये रीजन आप समझ सकते हो कि काफ़ी वल्नरेबल है अर्थक्वेक के लिए, तो जापान के लिए कोई नई बात नहीं है। जापान में अगर आप अर्थक्वेक को देखो तो अगर वहाँ पे इंटेंसिटी 1 to 7.6 का आज आया है जो कल का हमारा अर्थक्वेक है, बट यहाँ पे 1 to 3-4 के जो है आपको यूनिट्स के अर्थक्वेक जो है वो रेगुलर आते रहते हैं, उतनी इंटेंसिटी यहाँ के अर्थक्वेक में रेगुलरली देखी जाती है, ठीक है। उनका बहुत बड़ा रोल नहीं होता, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं होती उससे, बट जैसे ही 6 and 7 को हम क्रॉस करने लगते हैं तो फिर उससे जो अर्थक्वेक की जो है आपको किलिंग पावर जो बढ़ जाती है या डिस्ट्रक्शन जो पावर उसकी है वो बढ़ने लगती है और फिर वो चिंता का विषय बनी रहती है। तो नॉर्मली जापान में जो है क्योंकि इस जोन में लाइक करता है, इतने सारे प्लेट्स का इंटरेक्शन जोन है ये, तो अर्थक्वेक यहाँ पर आते रहते हैं। जो दूसरा बेल्ट है दैट इज द मिड अटलांटिक बेल्ट, ये जो मिड अटलांटिक बेल्ट है ये यहाँ पे अटलांटिक ओशियन के बीचों बीच अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अटलांटिक ओशियन जो है यहाँ पे दोनों प्लेट्स ये दो डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और अटलांटिक ओशियन का एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है। तो डाइवर्जेंट बाउंड्री है
और यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन होते जा रहा है, कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री भी है, प्लेट्स का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो दूसरा बेल्ट जो है दैट इज द मिड अटलांटिक बेल्ट। तीसरा जो है दैट इज द मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। और ये जो मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट है ये आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा ये जो रीजन है यहाँ पे अल्पाइन माउंटेन्स, हिमालयन माउंटेन्स, तियान सान, कुनलुन सान, ये जितने रीजन्स हैं यहाँ पे पामिर नॉर्ड से लेकर के, तो ये पूरा का पूरा जो रीजन है ये भी अर्थक्वेक वल्नरेबल जोन है। क्यों? क्योंकि ऊपर से यूरेशियन प्लेट आ रही है और नीचे से जो है यहाँ पे बहुत सारे, जैसे यहाँ पे अफ्रीकन प्लेट है, यहाँ पे नीचे से इंडियन प्लेट जा रही है, तो इनके इंटरेक्शन से कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल और यहाँ पे कन्वर्जेंस हो रहा है और उसके वजह से भी यहाँ पे जोन जो है अर्थक्वेक बना होता है। अगर आपको याद हो तो पिछले साल जो है यहाँ पे सीरियन अर्थक्वेक्स आए थे, तो इसी रीजन में जो है आप देखोगे तो सीरियन प्लेट भी है, उसमें छोटा सा आपको अरबियन प्लेट है वहाँ पे, तो इसके वजह से इस रीजन में भी अर्थक्वेक्स जो है आपको रेगुलर फीचर बने हुए रहते हैं। उसके अलावा कुछ आपको इंटरप्लेट सिस्मिक जोन्स होते हैं। अब इंटरप्लेट सिस्मिक जोन्स हैं कि इनको समझा नहीं जा सका है पूरे तरीके से, बट कहीं ना कहीं आपको विद इन द प्लेट्स जो है ये कुछ भूकंप आते रहते हैं। जैसे अगर आपको याद हो तो पेनिनसुलर प्लेटू जो है हमारे इंडिया का, तो इसको माना जाता है ये तो एक प्लेट है, लेकिन इस पे भी कभी कभी आपको अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं, छोटे छोटे इंटेंसिटी के अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं। इवन इन द नॉर्दर्न अमेरिका, यहाँ पे भी आपको नॉर्दर्न अमेरिका के अंदर में भी आपको प्लेट्स के अंदर में कुछ कुछ इंटरेक्शन या अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं। तो ये मेजर अर्थक्वेक बेल्ट आप ध्यान रखें। और अब जापान को आप देख रहे तो जापान इसी बेल्ट पे जो है वो लाई करता है। ठीक है, अब जो है हम थोड़ा सा जापान अर्थक्वेक को समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए यहां पे जो है आपको, ये हमने बात करी पैसिफिक प्लेट की, पैसिफिक प्लेट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, यूरेशियन प्लेट जो है, यूरेशियन प्लेट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और फिलीपींस प्लेट जो है ये इस डायरेक्शन में इसका मूवमेंट है। और इसी रीजन में यहां पे ये जो रीजन है यहां पे लोकेटेड है, तो यहां पे जो है आपका एक आपको प्री फ्रैक्चर जोन आपको देखने मिलेगा। ये जो प्री फ्रैक्चर जोन है, इट मींस द कॉन्टिनेंट्स और द प्लेट्स आर बीइंग रिफ्टेड हियर। ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनमें रिफ्टिंग के थोड़े बहुत निशान मिलते हैं। अभी पूरी तरीके से ऐसा नहीं होगा कि रिफ्ट बन गया होगा, बट डेफिनेटली वहाँ पे कुछ ना कुछ आपको कि ब्रेकेज के साइन आपको मिलने लगेंगे। अब देखो यहाँ पे जो ट्रेमर्स फील हुए हैं, दीज आर इन इशिकावा फ्रैक्चर जोन। ये जो इशिकावा फ्रैक्चर जोन है, दिस इज इशिकावा, और यहीं पे जो है आपको देखने का मिला है और यहीं पे आपको एपिसेंटर देखेंगे एंड नागोनो फ्रैक्चर जोन। तो इस रीजन में आपको बहुत सारे फ्रैक्चर जोन है, कुछ इस रीजन में भी है। 2011 में एक आया था जो आपको इस रीजन में वहाँ पे अर्थक्वेक आया था, बड़ी सी सुनामी भी आई थी वहाँ पे। ठीक है, तो आप देखो इसको तोहोकू अर्थक्वेक रप्चर जोन कहते हैं एंड इस रीजन में आपको आया भी था अर्थक्वेक पहले। तो आप देखोगे कि जापान इस रीजन में बहुत सारे वल्नरेबल आपको जो फ्रैक्चर जोन्स हैं, उसके वजह से ट्रेमर्स जो हैं आपको आते रहते हैं। हालांकि द एक्चुअल कॉजेज ऑफ द ट्रेमर्स आर बीइंग इन्वेस्टिगेटेड। अभी जहां तक मैंने सर्च मारा तो आई डिड नॉट गेट कि कोई फैक्चुअल डेटा मिले कि अच्छा इस वजह से आया, तो वो आपको इन्वेस्टिगेशन होगा, वो बाद में चीज़ें आएंगी। कुछ सोर्सेज का ये भी कहना है कि जो है आपको यहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर का भी रोल है। तो आप समझो कि दो प्लेट्स ऐसे मूव कर रही हैं एक दूसरे के ऊपर, तो अगर यहाँ पे किसी तरीके से वाटर का आपको रोल होगा तो वाटर क्या करेगा, वाटर इनको स्लिप करने में मदद करेगा एक दूसरे पे। ये इजीली ऐसे क्या कर सकते हैं, दे कैन स्लिप। ये अगर यहाँ पे वाटर है तो इट विल मेक द प्लेट्स स्लिपरी। ठीक है, तो मान रहे हैं कुछ लोगों का कि अंडरग्राउंड वाटर का भी रोल है। अब जैसे जैसे आपको डेवलपमेंट आगे बढ़ेगी तो हम ज़्यादा क्लियर हो पाएंगे कि यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या था। हालांकि ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि ये जो जोन है वल्नरेबल है, प्लेट की इंटरेक्शन हो रही है और उस वजह से ये जोन जो है आपको नॉर्मली आपको देखने मिलेगा कि अर्थक्वेक तो यहाँ पे आते रहेंगे। अब जो है अभी भी अगर आप देखो तो आफ्टर शॉक्स भी आ रहे हैं। आफ्टर शॉक्स क्या होते हैं, तो अब देखो जब प्लेट है तो प्लेट एक तरीके से एडजस्ट होना चाहती है, तो ये प्लेट पे एक दूसरे पे फोर्स लगा रही है। फोर्स लगाने के बाद एक थोड़ा सा एडजस्टमेंट होने की प्रक्रिया होती है, तो प्लेट्स जो है अपना पोजीशन एडजस्ट करते हैं, रिलीज ऑफ एनर्जी होती है। बट रिलीज ऑफ एनर्जी होने के बाद प्लेट्स को अपना पोजीशन फिक्स करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो उसके बाद भी थोड़ा बहुत वाइब्रेशन आपको होते रहता है और उसी को जो है हम आफ्टर शॉक्स कहते हैं। तो आफ्टर शॉक्स भी अभी भी कंटिन्यूअसली चालू हैं और जहां तक जापान की एजेंसी ने बताया कि अभी जो है आपको आफ्टर शॉक्स अभी आने वाले कुछ दिनों तक हमें रेगुलर मिल सकते हैं। ठीक है, तो अभी वी होप एंड वी प्रे कि आपको कोई बड़ा शॉक ना आए, जो चल रहा है बस उतना होके निकल जाए। साथ ही साथ बात हुई थी कि क्या सुनामी भी आ सकती है, तो जापान ने जो है पहले तो आपको सुनामी के संकेत दिए थे उसने, बट बाद में जो है उसने चीज़ें जो है जो वो वापस करी कि नहीं भाई उतना कोई हमें वार्निंग नहीं है, वार्निंग के जगह पे उन्होंने जो है आपको एडवाइजरी जारी की। तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो इनिशियली जो है आपको थोड़ी बहुत वार्निंग की बात हुई थी, बट जापान ने जो है
आपको इनिशियली इफ यू सी कि 7.5 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक हुआ था, तो उसके बाद इन्होंने एडवाइजरी इशू करी और बाद में फिर आपको वार्निंग भी दी गई अलॉन्ग द वेस्टर्न कोस्टल रीजन्स। तो ये जो पूरा का पूरा रीजन है आपको वेस्ट कोस्ट का, तो इस वेस्ट कोस्ट में पूरे के पूरे रीजन में आपको सुनामी की वार्निंग इशू करी गई थी कि भाई चांसेस हैं सुनामी आने के। ठीक है, अब आप देखोगे कि यहाँ पे देखे भी गए सुनामी वेव्स, देखे भी गए 1.2 मीटर्स अब तक, यानी 4 फीट तक के एरिया के सुनामी वेव्स आपको देखे गए। बट बाद में फिर हुआ कि अब चांसेस नहीं है कि कोई बड़ा वेव आएगा, तो रेगुलर छोटे मोटे वेव तो आ ही सकते हैं, क्योंकि जापान का अगर देखोगे तो वेव्स एक्सपेक्टेड लेस देन 1 मीटर, अगर उससे कम हाइट के वेव्स मिलते हैं तो उनको सुनामी एडवाइजरी दे दी जाती है कि ठीक है कोई बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है। और अगर 3 मीटर से ऊपर जाते हैं देन द सुनामी वार्निंग इज गिवन, एंड अगर 5 मीटर से ऊपर चले जाते हैं तो मेजर सुनामी वार्निंग दी जाती है। तो कोई वैसा मेजर इशू था नहीं यहाँ पे। अब बात आता है कि सुनामी क्यों आते हैं, तो जब आपको अर्थ जो है, अर्थ प्लेट्स जो है, ये सपोज करो ऊपर में ओशियन बॉडी है और ओशियन बॉडी यहाँ पे नीचे में जो अगर प्लेट्स का इंटरेक्शन होता है, तो यहाँ पे कॉलम ऑफ वाटर जो है, ये कॉलम ऑफ वाटर ऊपर या नीचे मूव करता है और उसके वजह से वेव्स जनरेट होते हैं। तो सुनामी की क्या प्रक्रिया है, किस तरीके से वेव्स मूव करते हैं, उसको मैं आपको किसी अगले स्लाइड में डिटेल में समझाऊंगा कि सुनामी क्यों होता है, कैसे होता है, कैसे उसका मूवमेंट होता है। साथ ही साथ अर्थक्वेक रिलेटेड भी अब आपका काम होगा कि यू विल प्रिपेयर कि अर्थक्वेक के और कौन कौन से कॉजेज हैं, मेजर कॉजेज कौन कौन से हैं। तो हमने तो एक बस प्लेट टेक्टोनिक्स के पर्पज से डिस्कस किया है, साथ ही साथ आपको एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज इसके क्या हो सकते हैं, आपको वोल्केनिक कॉजेज भी क्या हो सकते हैं, तो वो भी आपको जो है थोड़ा सा यू हैव टू रिवाइज एंड वी विल ट्राई कि हम आपको इस पे वीडियो लेके आ सकें कि मेजर और कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक्स क्या है या इससे बचने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ सुनामी के बारे में भी आप थोड़ा सा आपको अपने आप को पढ़ना होगा आपको कि भाई सुनामी कैसे आता है, अर्थक्वेक से इसका क्या रिलेशन है या और कौन कौन से कॉजेज हैं जो सुनामी लेके आते हैं। फिलहाल के लिए जापान में सुनामी की जो वार्निंग थी उसको बंद कर दी गई है, उसको एडवाइजरी जारी किया गया, अभी चांसेस कम है फिलहाल के लिए। लेट्स होप एंड प्रे कि आगे भी ऐसा ही नॉर्मल रहे, क्योंकि हम अभी भूले नहीं हैं 2011 में जापान में सुनामी आई थी, काफ़ी डिस्ट्रक्शन किया था इसने। साथ ही साथ 2004 वाली सुनामी जो हमारे क्रिसमस के टाइम पे 25 दिसंबर जिसने इंडिया के कोस्ट को स्ट्रक किया था, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द कैटेस्ट्रॉफ जो हमने देखा था, अपने लाइफ में देखा है उसको। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि कितनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन ये करेगा। सो फॉर नाउ वी होप दैट एवरीथिंग इज ऑल राइट एंड आगे जो है हम कोशिश करेंगे आपको सुनामी पे अगला वीडियो लाने की। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू।